हेलो एवरी वन माई नेम इज मोहम्मद इमरान वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड इन टुडेज क्लास वी विल भी डिस्कसिंग डिसमेंट रिएक्शंस हमने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस किया था कि वॉट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन वॉट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने उसके तीनों टाइप भी डिस्कस किए थे सो इन टूडेज़ क्लास वी विल भी डिस्कसिंग अवर अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज द डिसप्लेसमेंट रिएक्शन तो शुरू करते हैं देखिए ऐसा होता है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं अगर हम उनको रिएक्ट कराते हैं किसी और कंपाउंड के साथ जो कि मेटल का ही कंपाउंड होगा बट वो जो मेटल का कंपाउंड होगा उसमें जो मेटल प्रेजेंट है वो अगर हमारा वीक है दूसरे मेटल से सो द रिएक्शन विल टेक प्लेस इस रिएक्शन में ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी हुई है इसमें जो हमारा ए है इट इज़ अ मेटल हमारा जो बी सी है इट इज़ अ मेटल कंपाउंड सो बेसिकली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अ मेटल एंड अ मेटल कंपाउंड दिस इज दी वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर दूसरी चीज़ जो हमको समझ में रख समझ में आनी चाहिए जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी है दोनों मेटल्स की वो अलग अलग होनी चाहिए जब एक मैं ज्यादा रिएक्टिव मेटल को रिएक्ट कराता हूँ मैं एक ऐसे मेटल के कंपाउंड के साथ जिसमें जो मेटल प्रजेंट है वो कम रिएक्टिव है सो दिस विल हैपन मेरा जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो मेटल कंपाउंड में से उस मेटल को डिसप्लेस करके अलग कर देगा और खुद कम्बाइन हो जाएगा हमारे एन आई के साथ सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलिए एक हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेके चलते हैं लेट सपोज कीजिए हम फुटबॉल की बात करते हैं आप भी एक प्लेयर हैं मैं भी एक प्लेयर हूँ राइट आपके स्किल्स मुझसे अच्छे हैं यू आर अ स्ट्रोंगर प्लेयर देन मी सो इन केस अगर हम खेल रहे हैं और बॉल मेरे पास है तो जब आप और मैं एक दूसरे को टैकल कर रहे होंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू टेक अवे द बॉल फ्रॉम मी द सेम थिंग हैपन्स इन दिस रिएक्शन चलिए एग्जाम्पल लेते हैं ये हमारे पास आयरन और इसके साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूँ कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है एंड हेयर इज द इमेज सो वट विल हैपन इज कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव आपका कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देगा और खुद का क्या बना लेगा कंपाउंड दैट इज ग्रीन इन कलर सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन राइट सो द मेन थिंग अबाउट दिस रिएक्शन इज कि द रिएक्शन ओनली अक जब मेरे पास एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल मेरे एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करेगा सो so, इस चीज को समझने के लिए इन रिएक्शंस को याद रखने के लिए आपको आपका रिएक्टिविटी सीरीज पे होल्ड अच्छा होना चाहिए जैसे कि लेट सपोज कीजिए हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स अब ये रिएक्शंस आपको याद रखने के लिए समझ में आने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है थोड़ी सी लर्न होनी चाहिए सो so, इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन आता है पोटेशियम देन सोडियम देन कैल्शियम और ऐसे हमने इनको रखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी जो सबसे टॉप मोस्ट आपका मेटल है पोटेशियम वो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मोस्ट रिएक्टिव और मेरा जो गोल्ड है ये आपका क्या है सबसे नीचे पोजीशन पे लाइक करता है दैट मींस के आपका लिस्ट रिएक्टिव है सो अब एग्जांपल देखते हैं हमारे पास जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ जरा देखने की कोशिश कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज में कौन हायर पोजीशन पे कौन लोअर पोजीशन पे है तो देखिए हमारा जिंक जो है यहां पर है This is zinc. और हमारा कॉपर कहां पर है दिस इज कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर पोजिशन पे लाई करता है अगला एग्जाम्पल देखते हैं लेड लेड को देख लीजिए लेड हमारा ये है अगेन लेड इज लाइंग अब दॉपर दैट मीनस की लेड आपका ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से देन अगेन जब इन दोनों को हम रियक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा लेड कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर देगा और खुद का कंपाउंड बनाएगा लेड सल्फेट सो चलिए यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी मेरा कोई मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हायर पोजीशन पे लाई करता है तो अगर मैं उसको रिएक्ट कराता हूं किसी मेटल कंपाउंड से जो कि मेरा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में किसी लोअर पोजिशन पर लाई करता है तो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस डिसप्लेसमेंट रिएक्शन चलिए एक और केस लेते हैं लेट सपोज कीजिए मैं सिल्वर को रिएक्ट कराने की कोशिश करता हूं कॉपर सल्फेट से तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा हम कैसे पता लगा सकते हैं ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज इसमें सिल्वर कहाँ है आपका सिल्वर आपका यहाँ है तो रिएक्टिविटी में सिल्वर जो है वो कॉपर से नीचे लाए करता है दैट मीन्स कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो हमारे सिल्वर के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको डिस्प्लेस करे सो so, जब ये दोनों आपस में मिक्स किए जाएंगे दिस विल लीड टू नो रिएक्शन आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे डिपेंड करेंगे दी पोजिशन ऑफ अ मेटल इन दी रिएक्टिविटी सीरीज थैंक यू